ए मम्मी जो खाती रहोगी ये भी बताओगी कि प्लेन में कब चढ़ेंगे हम। अरे तुम्हारे बाप को तो आने दो, गया है ना प्लेन की टिकट लेने, जब आएगा तभी तो जाऊंगी। अच्छा मतलब तैयारी हो गई है। अबे ओ छोटा भी काय की तैयारी में? अबे बर्थडे की। बर्थडे? किसका बर्थडे? मेरे बर्थडे की। तेरा बर्थडे ये कब हुआ, तू कब पैदा हुई? मम्मी तुमने बताया नहीं कब है इसका बर्थडे। अरे बेटा लिखा होगा किसी जन्म पत्री में, मुझे कैसे याद हो सकता है। लाओ ना जन्म पत्री, बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तभी तो पता चलेगा इसका जन्मदिन है कब। लेकिन बेटा वो तो मैं लाना ही भूल गई। अरे तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद नहीं है क्या? यार बड़ी तुझे मेरा बर्थडे याद नहीं है, तू सबसे गंदी है। अबे याद नहीं तो याद नहीं, तू मम्मी को क्यों नहीं बोल दिए कुछ? मम्मी को तो ये भी याद है कि उनकी बेटी कितनी है, हमेशा पार्टी में तुझे ले जाती है और मुझे घर पे छोड़ देती है। हे भगवान, मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन को ये याद नहीं है कि मेरा बर्थडे कब आता है। ये सुनने से पहले मेरे कान में लस्सी क्यों नहीं चली गई? अबे ओ लस्सी जैसा कान पे खींच के मारूंगी, कान का जुरी गएंगी। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है, बर्थडे ही तो है यार, भूल गए तो भूल गए, भूल जा तू भी। यार बड़ी इस बार बर्थडे बोल यार बड़ी। अरे 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 बच्चों ये क्या, आज मेरे बिना लड़ना शुरू कर दिया। अरे पिताजी आपकी धर्म पत्नी को और आपकी सुशील बेटी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। अरे मेरी नन्ही सी परी का बर्थडे याद नहीं है, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पापा बताना मेरा बर्थडे कब आता है। हाँ बताओ कब है बर्थडे। अरे पापा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरा बर्थडे कब आता है। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तुम दोनों को पाल पाल के, अब मुझे कुछ याद नहीं रहता। अरे अरे तुम्हारे बाप को तो ये तक याद नहीं है कि हमारी शादी की सालगिरह कब आती है, तुम्हारा बर्थडे का खा क्या तुमको। मम्मी ओवर एक्टिंग को चुप करो, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही है, फ्लाइट उड़ जाएगी, इसको लेके चलो, फ्लाइट उड़ जाएगा। देखना नानी के घर जा रहे, पूरी फ्लाइट में तंग कर देगी ये लड़की। वेलकम मैम, नमस्ते। अबे नमस्ते गाया, तेल लगाने मुझे मेरा बर्थडे बनाना चाहिए। जल्द भगवान फिर से फ्लाइट में से बच्चे आ गए। नमस्ते मैम। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। वेलकम सर। मुझे नीचे करो, मुझे नीचे करो। अरे हां आतंकवादी। ओए मां एक काम करो, अब जल्दी से खिड़की वाली सीट पकड़ लो, कहीं कोई और ना बैठ जाए। चल वागन में जा रहा है। अरे वो बड़ी एक काम करियो, आज खिड़की वाली सीट पे ना छोटी को बिठा दियो, तुम उसका बर्थडे भूल गए है ना, जरा खुश हो जाएगी। अरे वो माता जी अब मैं कोई विंडो विंडो सीट पे नहीं बैठने वाली, अब मैं बैठूंगी पायलट की सीट पे। पायलट? ओए मां, ए मम्मी की टेंशन मत लो, अब एक काम करो विंडो सीट पे बैठो, मैं इस आइटम को ला दूंगी। अबे वो छोटी की बच्ची बहुत देर से देख रही हूँ तेरी नौटंकी, क्यों मम्मी पापा को तंग कर रही है? चुपचाप देना पीछे की सीट पे ओले। हड्डी पड्डी चार चवन्नी एक रुपया दो हडंडी। ये क्या है? अरे ओ बड़ी ये पोयम है, मैंने स्कूल में सीखी थी स्कूल में, अब चल जा यहाँ से। शांति से चल ले छोटी। नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, जा यहाँ से। ठीक है यहीं पे मर, पढ़ बजा। अरे ये तो पायलट की सीट है, ये बच्चा किसका है? अबे ओ मैं ना अपने मम्मी पापा का बच्चा हूँ, मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा को याद ही नहीं है कि हमारे बच्चे का बर्थडे कब आता है। अच्छा तुम्हारा बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, लेकिन हैप्पी बर्थडे गया तेल लगाने, अब तू चल निकल। ओए मां, नहीं ये पायलट की सीट है, तुम जाना से प्लेन में चलाऊंगा। अच्छा अभी क्रैश करूँ मैं? अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। अरे अरे कहाँ है छोटी, आई नहीं क्या अभी तक? नहीं आ रही मम्मी, नौटंकी कर रही है, मेरा बर्थडे बनाओ मेरा बर्थडे बनाओ। यार पापा आपको भी छोटी का बर्थडे याद नहीं रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? इन्हें कहाँ हमारा बर्थडे याद होगा, जरा बताना उस सुनीता का बर्थडे कब आता है? 14 अप्रैल को। देखा उस कलमुखी का बर्थडे तो तुम्हें बड़ी जल्दी याद है, हमारा बर्थडे आज तक याद नहीं रहा तुम्हें। बेटा वो तो हमारा आगे पीछे आता है ना, इसलिए मुझे याद है। अरे क्या तमाशा लगा रखा है,
एक तो तुम्हारी बच्ची मेरी सीट पर बैठ गई, अब मैं प्लेन कैसे चलाऊंगा? चुप कर। ओए माँ, अबे हमारी छोटी बहन गुस्से में है, तुझे प्लेन चलाने की बड़ी है? आप लोगों ने यहाँ पे इतना शोर क्यों मचा रखा है? आप सबकी वजह से यहाँ पे सारे पैसेंजर्स कितने परेशान हो रहे हैं, बताओ आपको? पैसेंजर गए तेल लगाने। चुप कर, हमें बर्थडे की प्लानिंग करनी है। बताओ ना मम्मी क्या करे ऐसा? ए बड़ी, मैं तो कह रही हूँ गरबा कर लेते, छोटी को बड़ा ही पसंद है। हाँ बेटा, गरबा और डांडिया करते हैं। ए चुप करो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, आए बड़ी डांडिया करते हैं। चुप करो यार, जब देखो लड़ते रहते हो। आइडिया, मेरे दिमाग में जहर आइडिया है, इधर आओ। हे भगवान, आपने मुझे ऐसे माँ बाप क्यों दिए? काश मेरा बाप भी ना सलमान खान होता, सलमान खान बच्चों की कितनी केयर करता, काश मेरा भी करता। यार उफ, सॉरी, सलमान खान की तो शादी ही नहीं हुई। पर भगवान ने भी मुझे कैसी कसौटी में भेज दिया। घर इतनी शांति शांति कैसे लग रही है? अभी इनकी शांति बंक करके आती हूँ मैं। बाहर भी कोई नहीं। बाबा, खुशी के मारे तो मेरा रो रो के थूक ही निकल गया, मतलब आंसू निकल गए। ये सब तूने करा है ना बड़ी? हाँ, ये सब मैंने किया और थोड़ा बहुत मम्मी पापा ने भी किया। बड़ी ने सब कुछ नहीं किया, बड़ी के माँ बाप ने भी कुछ किया है। अच्छा अच्छा, आपने भी किया है ना, थैंक यू थैंक यू। अच्छा चलो अब केक खाते हम। केक? क्या तुम केक नहीं लाए? तुम बर्थडे के दिन केक ही नहीं लाए यार। अब मैं क्या करूँ, अपना गला काट दूँ क्या? मम्मी केक लाना तो भूल ही गए। हाँ यार, अब क्या करें? मुझे याद है कि केक कहाँ रखा है। अरे भाई, जब याद है कि केक कहाँ रखा है तो जाके ले करो, उससे पहले दो चार गालियाँ हमें दे दे। जा भाई जा। बेटा, खाना तेरा बहुत बढ़िया है, पर ये बता तूने इसका जुगाड़ कैसे किया? अरे पापा, मैं बहुत बड़ी जुगाड़ हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो। वो क्या है ना, जब एयर होस्टेस फर्स्ट क्लास की और मिडिल क्लास की टिकटें चेक कर रही थी ना, तो हमने आपस में वो टिकटें बदल दी, इसलिए सारा खाना फ्री मिला। अब टेंशन मत लो, खाने के मजे लो, खाओ खाओ। यार बड़ी, तूने तो आज मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। जिसकी बहन तेरी जैसी छोटी और नौटंकी हो, उसके सपने पूरे करने तो बनते हैं ना। वैसे बड़ी, मेरी एक और विश पूरी कर देगी तू? हाँ बता। क्या विश है? मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दे तू। अब तुझे गिफ्ट भी चाहिए? तेरी तो हद ही होगी, कभी ये कर दो कभी वो कर दो। ओए माँ। बोल बेटा, क्या चाहिए तुझे? पापा, मुझे ना आप ये पूरा एरोप्लेन दिला दो। अबे ओ, मांग रही है ना तो औकात में देख के मांग। अगर पापा अपने आप को गिरवी भी रख देना तो ये प्लेन तब भी नहीं खरीद पाएंगे।
वैसे प्लेन से याद आया, बेटा जब तुम आई थी तो प्लेन को पायलट मोड पे तो लगाया था ना। अरे वो प्लेन चलाने वाले ड्राइवर वाले भैया, मैं तो छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी हूँ, मुझे तो प्लेन भी नहीं चलाना आता, अब पायलट मोड को क्या कद्दू रखूंगी मैं। इसका मतलब कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना, बेको बेको मत बोलना, और मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और देखो आज मैंने एयरप्लेन में बर्थडे भी मनाया, क्योंकि यहाँ पे बर्थडे भी मनाया जाता है, एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की जाती है, सब किया जाता है। तो आओ खाओ और नाचो गाओ, वो भी मिकी माउस और यूनिकॉर्न के साथ। मिलती हूँ मैं जल्दी एक प्यारी लवली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बजरंगबली, नाचो 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 नाचो, हैप्पी बर्थडे टू मी।